है एवरीवन सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोर्ट शेफ जुलाई कुक ऑफ 2022 का प्रॉब्लम परम्यूटेशन एंड मीडियन ऑल्सो अराउंड 90% परसेंट ऑफ द व्यूअरशिप इस चैनल पे आ रही है फ्रॉम नॉट सब्सक्राइब पीपल सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो देन प्लीज डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एज ऑलवेज लेट स्टार्ट बाई अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन गिवन अ सीक्वेंस ऑफ एन एलिमेंट शेफ डिफाइन्स द फंक्शन एफ ओ आई फॉर ऑल आई फ्रॉम वन टू एन एज द मीडियम मीडियन ऑफ द फर्स्ट आई एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस ठीक है क्या बोला गया है कि हमें एक सीक्वेंस दी गई है ऑफ एन एलिमेंट्स तो शेफ जो है वो इस सीक्वेंस के लिए एक फंक्शन डिफाइन करता है एफ ऑफ आई वेर आई इज बिटवीन वन एंड एन एंड वेर एफ ओ फाई इज इक्वल टू मीडियन ऑफ फर्स्ट आई एलिमेंट ऑफ सिक्वेंस ठीक है ओके शेफ वॉन्ट्स टू गेट अम्बिटेशन पी ऑफ लेंथ एन सच दैट पी ओ फाई इक्वल टू एफ ओ फाई फॉर ऑल आई बिटवीन वन टू एन कैन यू हेल्प शेफ इन अचीविंग दिस ठीक है शेफ को क्या करना है कि ये जो है लेंथ एन का शेफ वॉन्ट्स टू गेट अ पोम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन। शेफ को एक पोम्यूटेशन चाहिए पॉम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन। अब पॉम्यूटेशन पी ऑफ लेंथ एन का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा एरे जिसमें कि पहले एन एलिमेंट्स हो एग्जैक्टली exactly वंस और उनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है मतलब कि उनका पॉमिटेशन कुछ भी हो सकता है लेकिन वन से लेकर एन तक सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली exactly एक बार आने चाहिए ठीक है उसका कुछ पॉमिटेशन तो शेफ को एन लेंथ का एक पॉमिटेशन पी ऐसा चाहिए सच दैट पी ऑफ आई इज इक्वल टू एफ ऑफ आई ठीक है फॉर ऑल आई बिटवीन वन टू एन मतलब कि जो आईथ एलिमेंट पॉम्यूटेशन में होगा दैट वुड बी द मीडियन ऑफ द फर्स्ट आई एलिमेंट्स ठीक है नीचे नोट करके दिया गया है अगर एन की वैल्यू ईवन है तो एन बाई टू पोजिशन वाला जो एलिमेंट होगा उसको मीडियन कंसिडर करेंगे पहले तो मीडियन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एरे को शॉर्टेड ऑर्डर में देखें तो उसमें जो मिडल मोस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा मीडियन होता है तो अगर एन की वैल्यू ईवन है तो n बाई टू पोजिशन वाला एलिमेंट जो होगा वो मीडियन कंसिडर करना है ऐसा क्वेश्चन में बोला है मतलब कि वन टू थ्री फोर है तो चार एलिमेंट है सो फोर बाई टू इज टू ठीक है सो so, ये कंसिडर करना है मीडियन को और अगर n ऑड है तो ऑब्वियसली मिडल एलिमेंट को ही कंसिडर करना है ठीक है मतलब कि वन टू थ्री फोर फाइव ऑब्वियसली मिडल एलिमेंट ये है और उसके बाद पॉम्यूटेशन की डेफिनेशन दी गई है जो कि मैंने आपको बता दी पोमुटेशन ऑफ लेंथ एन इज नथिंग बट एन एरे ऑफ फर्स्ट एन नंबर्स इन एनी ऑर्डर ठीक है सो ऐसा हमें पोम्यूटेशन प्रिंट करना है सच आई इज़ इक्वल टू एफ ओ वेर एफ ओ आई इज दीडियन ऑफ द फर्स्ट आई एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस आई होप क्वेश्चन क्लियर अब इसके कंसेप्ट मूव करते हैं सो so अब यहाँ पे कंसेप्टे मुँह होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक रॉक स्टार डेवलपर बनना चाहते हो और एंड यू वांट टू गेट प्लेस एट टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज न्यूटन स्कूल इज द बेस्ट प्लेस फॉर यू आफ्टर गेटिंग एनरोड एट फुल स्टेक डेवलपमेंट कोर्स एट न्यूटन स्कूल यू कैन गेट अ जॉब ऑफ एनीवेयर बिटवीन फाइव एल अप टू फोर्टी एल ऑल्सो बेस्ट पार्ट यह है कि यहाँ पर पे आफ्टर प्लेसमेंट प्रोग्राम है विच मीन्स जब तक आपको फाइल पे या उससे ज़्यादा का प्लेसमेंट नहीं मिल जाता तब तक आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है सो इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एनरोल्ड एट न्यूटन स्कूल मेक श्योर यू गो इन द डिस्क्रिप्शन एंड रजिस्टर योर सेल्फ एट द लिंक विच इज़ गिवन देयर अब अगर यहाँ पर कंसेप्ट पर बात करें तो हमें जैसे कि इनपुट में टेस्ट केसेस दिए गए और सभी टेस्ट केस में एन की वैल्यू दी गई है तो हमें पम्यूटेशन ऑफ साइज एन प्रिंट करना है मतलब कि वन से लेकर एन तक के नंबर्स का एक पम्युटेशन प्रिंट करना है सच दैट पी ओफ आई इज इक्वल्स टू एफ ओफ आई और एफ ओफ आई क्या है एफ ओ फाई इज द मीडियन ऑफ फर्स्ट आई एलिमेंट्स मतलब कि वन से लेकर एन तक के इंडेक्सिस के जो एलिमेंट्स है एरे में तो एफ ऑफ आई क्या होगा ये जो फर्स्ट आई एलिमेंट्स से इनका मीडियन मतलब कि इन एलिमेंट्स को अगर मैं शॉर्टेड ऑर्डर में कर दू तो जो सेंटर पोजीशन पे आएगा वो मतलब कि अगर एन इवन है तो एन बाई टू पोजिशन वाली कंसिडर करनी है मतलब कि आई इवन है तो आई बाई टू वाली अगर आई ऑड है मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड है तो ऑब्वियसली मिडल एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे एक काम करते हैं हम रिवर्स सॉल्व करना की ट्राई करते हैं फॉर अ सर्टेन एग्जांपल एंड देखते हैं कि कोई प्रॉपर्टी मिलती है कि नहीं कोई पैटर्न दिखता है कि नहीं रिवर्स सॉल्व करने का मतलब क्या कि हमें ऐसा एरे चाहिए सच दैट कि आईथ एलिमेंट जो होगा उस परम्यूटेशन का वो पहले आई एलिमेंट्स का मीडियन होगा तो हम उल्टा लेते हैं कि पहले आई एलिमेंट्स का मीडियन अगर ये पर्टिकुलर एलिमेंट होगा तो उसके हिसाब से परम्यूटेशन क्या होना चाहिए ठीक है क्योंकि हमें पूरे के पूरे एरे का पता है फॉर एग्जाम्पल एन इक्वल टू फाइव है तो उस पूरे एरे का मतलब कि लास्ट पोजिशन का पी फाइव वहां पे क्या होना चाहिए टू होना चाहिए बिकॉज पहले पांच एलिमेंट को अगर मैं शॉर्टेड ऑर्डर में रखूंगा तो मीडियन आएगा टू ठीक है और परम्यूटेशन p ऑफ लेंथ n है मतलब कि n इक्वल टू फाइव है तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे वन से लेकर फाइव तक तो लास्ट पोजीशन पे क्या आना चाहिए टू सो व्हाट वी वांट टू डू इज वी आर अज्यूमिंग कि हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ये मीडियन का मीडियन uh, होगा तो हमारा परम्यूटेशन क्या होना चाहिए अब एक बात समझो हम एक ऐसा एक नम, एन लेते हैं जो कि बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है जिससे कि हमें पैटर्न भी मिलने मिल जाए और हम समझ भी अच्छे से सके तो हम एक काम करते हैं लेते हैं तो अगर एन इक्वल टू सिक्स की मैं बात करूं तो जो पी सिक्स होगा मान लो ये मेरा पी एरे है तो पी सिक्स विल बी नथिंग बट एफ ऑफ सिक्स मीन वन से लेकर सिक्स तक सारे एलिमेंट्स का मीडियन अब वन से लेकर सिक्स तक सारे एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में सब के सब आ जाएंगे मतलब one, two, three, four, five, six सारे के सारे आ गए क्योंकि हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इनका मीडियन मतलब कि इनको अगर मैं शॉर्टेड ऑर्डर में देखूं तो एन बाई टू पोजिशन वाला एलिमेंट मतलब कि थ्री तो इसका मतलब थ्री यहां पे आना चाहिए ठीक है अब ये आ गया अब मैं इसको कंसिडर करता हूं पांच एलिमेंट्स को यहां पे कौन सा एलिमेंट होना चाहिए द एलिमेंट विच इज द मीडियन ऑफ दिस फाइव एलिमेंट्स अब इन पांच एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं वन टू अगर मैं मीडियन मतलब क्या शॉर्टेड ऑर्डर में अगर हम एरे को विजुअलाइज करें तो जो मिडल पोजीशन पे एलिमेंट हो वो तो वन टू फोर फाइव सिक्स बचे हैं तो मिडल एलिमेंट हो गया फोर मतलब कि इतने एरे का मीडियन जो है वो है फोर तो वो फोर यहां पे आना चाहिए बिकॉज एफ फाइव इज नथिंग बट फोर ये पांच एलिमेंट का मीडियन है फोर देन पी फाइव शुड ऑल्सो बी इक्वल टू फोर एफ सिक्स इज इक्वल टू थ्री जो कि हमने यहाँ से विजुअलाइज किया है एफ सिक्स मतलब क्या कि अगर पहले छह एलिमेंट को शॉर्टेड ऑर्डर में रखें तो सेंटर पोजिशन पर जो एलिमेंट है वो इसका मतलब पी सिक्स शुड बी इक्वल टू थ्री तो हमने ये दो एलिमेंट फाइंड कर लिए नाउ सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो अब कौन कौन से एलिमेंट्स बचे हैं वन टू फाइव सिक्स द एलिमेंट इज फोर एलिमेंट्स मतलब कि इन चार एलिमेंट्स को शॉर्टेड ऑर्डर में रखूँ तो एन बाई टू पोजिशन वाला एलिमेंट मतलब कि टू यहां पे होना चाहिए बिकॉज एफ ओ फोर इज नथिंग बट टी फोर सो एफ फोर इज टू इन चार एलिमेंट्स का मीडियन टू है सेम इज पी फोर अब इन तीन का मीडियम होगा वो यहाँ पे आएगा सो so वन फाइव सिक्स मीडियम है फाइव इन दो का मीडियम होगा वो यहाँ पे आएगा वन एंड सिक्स मीडियम है वन बिकॉज दो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेन बाई टू वाली पोजिशन को मीडियम मानना है क्वेश्चन में दिया गया है एंड लास्ट एलिमेंट इज सिक्स ठीक है तो यहाँ से हमें क्या पैटर्न दिख रही है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अगर मैं ऐसे विजुअलाइज करूं तो लास्ट एलिमेंट देन फर्स्ट एलिमेंट देन लास्ट एलिमेंट देन फर्स्ट एलिमेंट देन लास्ट एलिमेंट देन फर्स्ट एलिमेंट ठीक है सो ये हमें पैटर्न मिल गई अगर एन इक्वल टू ऑड के लिए भी आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो आपको आंसर मिल जाएगा तो बस अब सिंपली हमें करना क्या है आई इक्वल्स टू वन लेना है जे इक्वल्स टू एन ले लेना है वाइल आई इज लेस देन j तो क्या करना है पहले प्रिंट करना है j फिर स्पेस फिर आई और जे की वैल्यू को कम करते जाना है आई की वैल्यू को बढ़ाते जाना है मतलब कि ये जे है ये आई है तो j को प्रिंट किया आई को प्रिंट किया लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट अब इसको कम किया इसको बढ़ाया लास्ट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट अब इसको कम किया इसको बढ़ाया ठीक है ऑल्सो अगर एन ऑड होगा तो यहाँ पे आई इक्वल टू जे हो जाएगा मतलब कि मिडल मिडल एलिमेंट प्रिंट करना बाकी रह जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर वन टू थ्री फोर फाइव है तो फाइव वन देन फोर टू फिर वाइल लूप के बाहर आ जाएगा तो थ्री प्रिंट करना रह जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या करना है इफ आई इक्वल्स टू इक्वल्स टू जे, देन प्रिंट आई ठीक है सो so, इस तरह से हमारा ऑड वाला केसेस भी कवर अप हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एक फोल लूप रन कर रहे हैं एन साइज का सो बिग ओ ऑफ एन और समेशन ऑफ एन ओवर ऑल द टेस्ट केसेस टेन की पावर फाइव से कम है सो गिवन टाइम लिमिट में इजीली हो जाएगा आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर है इसका सोल्यून कौन मैंने में प्रोवाइड किया थैंक यू